और अल्लाह ताला ने उनके जरिए हमें हिदायत दी है। नबी आते हैं तो हमें हमारी मंजिल बताते हैं और मंजिल का रास्ता बताते हैं और खुद भी वो उस रास्ते पर है। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका अला सिरात मुस्तकीम, सूरह यासीन में, ए यासीन आप बेशक रसूलों में से हैं और आप सीधे रास्ते पर हैं। सीधे रास्ते की इंतहा अल्लाह, नबी अल्लाह के रास्ते पर। अगर आपकी मंजिल अल्लाह नहीं है तो आप रसूल के रास्ते पर चलना गवारा नहीं करेंगे। हाँ, अपनी पिक एंड चूज वाला मामला होगा, ये करूंगा, इतना करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। फिर मजबूरी आ जाती है ना, मेरी मजबूरी है, फिर आप नहीं करेंगे। देखें, एक बात नोट कर लें, इस्लाम, तक्वा, अमले सालेह और सीधा रास्ता, ये आपकी जरूरियात है नहीं आज आज के मुसलमान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, اللهم صل على سيدنا محمد بعد الجود والكرم عليه وسلم। सामईन और नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज का हमारा मौजू ये है कि आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर ही क्यों। देखें, नबी अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए हमें हिदायत दी है। नबी आते हैं तो हमें हमारी मंजिल बताते हैं और मंजिल का रास्ता बताते हैं और ख़ुद भी वो उस रास्ते पर है। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका अला सिरात मुस्तकीम, सूरह यासीन में, ए यासीन आप बेशक रसूलों में से हैं और आप सीधे रास्ते पर हैं। सीधे रास्ते की इंतहा अल्लाह, नबी अल्लाह के रास्ते पर। अगर आपकी मंजिल अल्लाह नहीं है तो आप रसूल के रास्ते पर चलना गवारा नहीं करेंगे। हाँ, अपनी पिक एंड चूज वाला मामला होगा, ये करूंगा, इतना करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। फिर मजबूरी आ जाती है ना, मेरी मजबूरी है, फिर आप नहीं करेंगे। देखें, एक बात नोट कर लें, इस्लाम, तक्वा, अमले सालेह और सीधा रास्ता, ये आपकी जरूरियात है नहीं आज आज के मुसलमान की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने मंजिल बदल ली है। दुनिया का एक जाहिर का धोखा लग गया है और बस हम फिर दुनिया का रास्ता रह जाते हैं हमारे सामने, इसके अलावा कोई चॉइस है नहीं हमारे पास। और जब आपके पास, देखें, जब जाहिर का धोखा लग जाए फिर आपके पास और कोई चॉइस रहती नहीं, फिर और कोई बात आपकी समझ में भी नहीं आई। अगर आपकी अहमियत दुनिया हो गई, आपकी नज़र में अहमियत जो है, तरजीह जो है, अगर आपकी दुनिया हो गई, फिर जो बाकी बातें हैं ये आपकी समझ में नहीं आएंगी, न जन्नत समझ में आएगी न दोज़ख़। यकीन ही नहीं है आज, आज हम जन्नत के लिए तो कोई लालच नहीं कर रहा, दोजख से बचने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा। सब देखें, हमारा तो एक मुद्दा है जिंदगी गुजारने का, मैं आज के मुसलमान की बात कर रहा हूं, वो है दुनिया। बस तो अगर ऐसी बात है और यकीनन है तो फिर आपका इस्लाम से कोई वास्ता है नहीं। पढ़ते रहें तो कुरान की तलावत करते रहें, पढ़ते रहें नमाजें, आपकी तो नीयत ही ख़राब हो गई है दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की। ये बात गौर करें, इस बात पे, हमारी नीयत अल्लाह नहीं है, हमारी नीयत दुनिया है। फ़ारिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्ला हयात दुनिया, ए नबी उस शख्स से अपनी नज़र रहमत हटा लीजिए जो फिर गया मेरी याद से, अब यह नहीं चाहता सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी। नबी का रास्ता तो इस्लाम का रास्ता है, नबी का रास्ता सीधा रास्ता है, नबी का रास्ता अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह अगर आपकी मंजिल नहीं है तो सीधा रास्ता आपके लिए नहीं है। फिर देखिए, आज हम सीधे रास्ते पर नहीं हैं, आज पूरी उम्मत जो है ये गुमराह, रास्ता भटक चुकी है, ये अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रही है क्योंकि इसकी मंजिल अल्लाह नहीं है। ठीक है, ये एक आम बात है, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल मैं सीधी सादी बात कर रहा हूँ, हम लोग मंजिल भटक गए हैं, अल्लाह मंजिल नहीं है, आखिरत हमारा ज़िंदगी गुजारने की तरजीह नहीं है। हम दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोग हैं,
दुनिया की कामयाबी हमारी नज़र में असल कामयाबी है। तो बाकी तो अब कहानियाँ रह गई, करते रहें आप जन्नत की कहानियाँ बयान करते रहें, दोजख के अजाबात करते, उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं, मैं तो यकीन ही नहीं है। देखिए बुनियादी अगर आप एक गलती का शिकार हो गए, आखिरत, आखिरत जो कि हमारे ईमानियात में बुनियादी मन, आखिरत, रिसालत और तौहीद, इन तीनों की हमें ज़रूरत नहीं रहती। देखें आज कलमे तैयबा का मतलब भी हम नहीं जानते, जो कि हमारे इस्लाम की बुनियादी बात है और जो जन्नत में दाखिले की शर्त है, और उसी कलमे के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। कलमे का मतलब क्या है कि मैंने अल्लाह के सिवा किसी की नहीं माननी, अल्लाह के सिवा किसी को मंजिल नहीं बनाना। आखिरत, कलमे का मतलब यह है कि आखिरत आपकी तरजीह है, आप आखिरत के लिए जिंदगी गुजारें, यह कलमे का मतलब है। लेकिन आपने तो मतलब वो अपने मुद्दा बदल लिया जिंदगी का। सारी उम्मत जो है वो गुमराह है। आप देख लें आम तौर पे माशरे में देख लें क्या रिवायत है, क्या चलन है, सारे लोग कुछ ज्यादा दुनियादार हैं, कुछ कम दुनियादार हैं। तो एक रेड़ी वाला जो फल बेच रहा है वो भी तो दुनियादार है, उसको भी तो इस्लाम का पता नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं। एक रेड़ी वाला, चाहे वो आपका वजीर आजम है, उसकी नज़र में भी दुनिया है, दुनिया हकीकत है। ये अपोजिशन और इख्तदार के क्या खेल है, दुनिया का खेल है, कुर्सी का खेल है कि नहीं कुछ और है। तो बात यह है कि देखें नबी का रास्ता अल्लाह का रास्ता है। इन्नका अला सिरात मुस्तकीम, हमें तो यह भी नहीं पता कि सिरात मुस्तकीम की इंतहा क्या है। हर नमाज में, हर रकात में आप पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, एहदेना सिरात मुस्तकीम, लेकिन आपको यह नहीं पता कि सिरात मुस्तकीम है क्या। देखें जब एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि जब आपकी मंजिल दुनिया हो जाए, आपकी हर इबादत झूठ बन जाती है। एक बात नोट कर लें, हर इबादत, ख़ास तौर पे नमाज, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो तकबीर तहरीमा जो फ़र्ज़ है, अल्लाह अकबर हाथ उठा के ना आप कहते हैं, सबसे बड़ा झूठ यह बोलते हैं। हर मौज़िन पांच वक्त झूठ झूठ बोलता है। फिर आप नमाज में जब खड़े हो जाते हैं, सारी नमाज झूठी है। आप अल्लाह की बड़ाई नहीं बयान करते, हमने बड़ाई, हम बड़ाई बयान कर रहे हैं दुनिया की, दुनिया बड़ी है, अल्लाह नहीं है बड़ा। देखिए एक ये सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। अल्लाह के हुक्म की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है आज के माशरे में, तो अल्लाह तो बड़ा ना हुआ, बड़े का कहाँ माना जाएगा। आपके नज़र में अल्लाह के हुक्म की कोई अहमियत नहीं है, माशरे की मैं बात करूँ, फ़र्द व माशरा कोई ऐसी बात नहीं है। मियाँ बीवी घर में अपनी मर्जी से एक दूसरे से सलूक कर रहे हैं, अल्लाह बड़ा नहीं है। मैं मियाँ को चुप लग गई, बस वो अब चुप रहेगी, वो नाराज़ है, किसी भी बात में बात बताता भी नहीं है, सॉरी भी नहीं कबूल करता, सॉरी सुनने के लिए भी तैयार नहीं। मियाँ जी आमतौर पे आप देख लें, ये सर ये मैं घर की मैं वैसी मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, लेकिन हमने अपने आप को बड़ा किया हुआ है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी मर्जी है, अखलाक मेरी मर्जी के, काम मेरी मर्जी के, जो मैं चाहूँगा करूँगा। आप देख लें हम में से हर शख्स अपनी जगह फिरौन वक्त है। फिरौन क्या कहता था, मैं हूं मा रब्बुल आलमीन, फिरौन के अल्फाज हैं कुरान, रब्बुल आलमीन, मुझसे से पूछे रब्बुल आलमीन कौन है, बड़ा तो मैं हूं। वही बात हम कह रहे हैं आज। तो सारी इबादत जो आप इबादत कहते हैं वो इबादत नहीं, अजाब है, तो वो झूठ है। हमारी जिंदगी की बुनियाद जो है वो झूठ पर है।
और हम झूठ की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। झूठ का मतलब धोखा, धोखा किस चीज़ का, ज़ाहिर का। सारे आप देख लें, अपनी खुशियों को देख लें, ताल्लुक खुशियों का ताल्लुक आपकी ज़ाहिर से है। बच्चे ने डिग्री ले ली, लड्डू बांटो, नौकरी हो गई, लड्डू बांटो, लड़की की शादी है, मंगवाओ मठियाई। ये आप फिर परेशानियाँ, लड़का सख्त बीमार है, बड़ी परेशानी है, लड़का मर गया, बड़ी परेशानी है, ये हो गया, वो हो गया। हमारी सारी खुशियाँ, सारे गम दुनिया तक महदूद हैं, ये बात नोट कर लें। इनसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है, खुशी की बात यह है कि आप ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, लअल्लक तरदा, ताकि तू राज़ी हो। और सबसे बड़ा गम यह है कि अल्लाह नाराज़ हो, तो वो चीज़ हमारे जहन में तो है नहीं। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم।